पंजाब से फरार होने के बाद अमृतपाल देश में ही मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियों का ऐसे यकीन है, शक है कि वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में छिपा हो सकता है और इन सभी राज्यों की पुलिस ने असर बनाए हुए हैं। अमृतपाल भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। वो अभी कहाँ है किसी को इसकी जानकारी नहीं। लगातार लोकेशन बदल रहा है। वो अपने बेहद खास पप्पल प्रीत के साथ है। उसी पप्पल प्रीत को अमृतपाल के चाचा ने एक ऑडियो मैसेज भेजा और सुझाव दिया कि सरेंडर करने में ही भलाई है। यार मैंने देखो लगता भी अपने बंदे ना कोई रड़े रुड़े है सरकार दे नाल, ते ए ना भी भाई साहब नुकसान हो जाए, तो कितने जे कि तुम कितने मैसेज मूसेज आता ना तो मैं तो गिरफ्तारी दे देने लगा वा, तो उन्होंने भी कहो भी गिरफ्तारी दे दें। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह ने 19 मार्च की रात को ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन ऑडियो उससे पहले का बताया जा रहा है। पुलिस की दबिश के बाद हरजीत ने यह वॉइस मैसेज पप्पल प्रीत को भेजा था। इधर कई राज्यों में अमृतपाल की तलाश जारी है। यूपी उत्तराखंड अलर्ट पर है, कई शहरों में उसके पोस्टर लगाए गए हैं। सघन तलाशी हो रही है। नेपाल से सटे इलाकों में पुलिस की खास नजर है। पंजाब पुलिस कह रही है कि जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा और जालंधर से कमलजीत संधु के साथ सत्येंद्र चौहान। आज तक झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। कल शाम की बात है, बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक रांची के बिरसा चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार सुबह से उनका यह प्रदर्शन जारी था। पुलिस इस बीच में धारा 144 लगा पुलिस ने लगा दिया था, फिर बेरोजगार युवकों को हटाने की कोशिशें हुई। जब पुलिस वाले नाकाम रहे तो फिर देर शाम उन पर लाठियां बरसाने शुरू कर दी गई। दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारी युवकों को पीटा गया। उनसे पहले पुलिस ने यही ताकीद की कि वो प्रदर्शन खत्म करें, लेकिन बेरोजगार युवक नहीं माने। वो सभी सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार की नीति का विरोध कर रहे थे। खबर अब धनबाद की, जहां पर कल एक ग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया और इस ग्लाइडर को कोयलांचल का हवाई भ्रमण करने के मकसद से शुरू किया गया था। इस उड़ान के दौरान एक ग्लाइडर जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर था, तभी उसमें तकनीक की खराबी आ गई। ऊंचाई से अनियंत्रित होकर बिरसा मुंडा पार्क के पास में जाकर एक घस घर में जा गिरा। हादसे में पायलट और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अब खबर पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से, जहां पर रेत माफियाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, देखते देखते गाड़ी जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अवैध खनन की जानकारी मिली थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस वाले पहुंचे थे, तभी उन पर माफियाओं ने छिपकर अटैक कर दिया। अब खबर प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना होने वाले हैं और आज वो अपने संसदीय क्षेत्र को 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। संपूर्णानंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, जहां वो 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। वाराणसी के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। इससे पहले पीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित एक समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी का दौरा एक दिवसीय है और उनके स्वागत के लिए काशी में जबरदस्त तैयारियां, कार्यकर्ता उत्साह में। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 3 महीने के बाद काशी दौरे पर पहुंच रहे हैं और नवरात्र के अवसर पर वाराणसी के लोगों को 1800 करोड़ का तोहफा देने वाले हैं। समर्थकों ने उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की। 24 में फिर से हम भगवान लहराएंगे, जो राम हम लहराएंगे, आए हैं मोदी जी आएंगे, 24 में फिर से हम भगवान लहराएंगे, 24 में फिर से हम भगवान लहराएंगे।
अब अगली खबर, राहुल गांधी की कल सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और अब अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। खबर यह भी है कि अगर उनकी सदस्यता पर संकट आया तो वह सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस का भल्ला बोल का प्लान बन चुका है। आज से पार्टी की शुरुआत भी कर रहे हैं और सबसे पहले कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ 10 बजे बैठक करने जा रही है और उसके बाद विपक्षी सांसद विजय चौक तक मार्च निकालने वाले हैं। कांग्रेस ने अन्य सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी समय मांगा है। अगला प्लान ये भी है कि सोमवार को पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे ना ही डरेंगे।